कल एक पॉजिटिव कॉज के लिए हम राजबाड़ा पे बैठे थे, चार लोग, तीन विधायक जनप्रतिनिधि थे। मोटिव था कि सरकार ने कोरोना से हाथ ऊंचे कर दिए, इंदौर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं मानता हूं कि ऐसे में इंदौर वासियों को जागना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, लॉकडाउन जैसे नियमों को आत्मसात करना चाहिए। हमारा इंदौर पहले भी जीता है, आगे भी जीतेगा। ये प्रशासन को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हम पे मुकदमे लगा दिए। चार लोग डिस्टेंस के साथ प्रार्थना करना, मंदिर में जाना छूट है शासन की। माँ अहिल्या माता जैसी है, देवी जैसी है, उसके चरणों में हमने प्रार्थना की, उसका भी हमें दंड मिला। कोई बात नहीं, आज भी मेरा ये दंड के साथ एक्सरसाइज के साथ मोटिव है, हम सबको जागना है, रोज़ कुछ न कुछ एक्सरसाइज करना है और मिलकर इस कोरोना को हराना है। इंदौरवासी एकजुट रहे। मैं मानता हूँ कि मैं नेगेटिव बात मनीष सिंह जी से नहीं करना चाहता, वो कलेक्टर है हमारे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव माने जाते हैं, हम जनप्रतिनिधि होने के बाद भी उनका सम्मान करते हैं, पर इतना दबाव में अगर आप काम करेंगे, हम पे मुकदमे और इतनी भीड़ के साथ बीजेपी के पूर्व विधायक की घटना को 24 घंटे में अखबारों ने संज्ञान में लिया, उसका बाद मुकदमा, गलत है आपका। मैं मानता हूँ कि आप एक अच्छे अधिकारी हैं, इतने दबाव में काम न करें।